नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ऑल इन वन सॉल्यूशन चैनल। दोस्तों मैं हूं नीरज आर्य। तो आज हम बात करेंगे पशुओं की जो डिवॉर्मिंग होती है, यानी पेट के कीड़े कैसे ख़त्म करे जाते हैं, उसका देने का सही तरीका क्या होता है, तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी सबसे पहले सबसे जल्दी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पशु को जो है कुछ मीठा देना होगा। मीठा शरबत हो सकता है, शक्कर हो सकती है, चीनी हो सकती है, कुछ भी चीज़ देनी है आपको। सपोज करो आपको सुबह देनी है तो रात को इसको ये चीज़ घोल के दे देनी है। लगभग 1 kg चीनी, गुड़ या शक्कर जो भी होगा वो आप दे सकते हैं इस तरह से। जैसे खुरपपाड़ गुड़ है और ये नहीं तो शक्कर भी आप इसको ले सकते हैं, तो इसमें से या चीनी, ये नहीं चीनी भी ले सकते हैं। तो इसको घोल के आपको शरबत बना के जो है पशु को रात को पिला देना। सुबह पेट के कीड़े की दवाई देनी है। यदि आप शाम को देना चाहते हैं तो सुबह पिला देंगे तो शाम को दवाई दे देंगे। कोशिश ये करेंगे कि पशु का पेट खाली हो, वो ज़्यादा खाए हुए ना हो, तो ऐसे में जो है कीड़े बहुत तेज़ी के साथ मरते हैं। वो मीठी चीज़ खिलाने से फ़ायदा ये होता है कि मीठे को देख के जो है उसकी बड़ी आँत में कीड़े सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे उनको मारना बड़ा आसान हो जाता है। तो अब बात करेंगे दवाई की। यदि आपका पशु गाभिन नहीं है तो एल्बेंडाजोल किसी अच्छी कंपनी का, ये देख सकते हैं आप, इंडियंस कंपनी मुंबई का है ये, और इसमें जो है IP 3000 के नाम से आता है, एल्बेंडाजोल है इसके अंदर 3000 mg। तो ये दवाई जो है आपको सिंगल डोज होती है, ये दिखा देते हैं। ये सिंगल डोज आती है, पूरी पूरी जो है आपको दे देनी होती है, 35-40 रुपए की आपको मार्केट से मिल सकती है। ध्यान रहे गाभिन पशु को ये नहीं देनी है। तो इसको रोटी में रख के इसको डायरेक्ट खिला देंगे। तो इस प्रकार जो है डिवॉर्मिंग की जाती है। यह डिवॉर्मिंग जो है साल में 4 बार, यानी कि हर 3 महीने बाद ये करनी होती है, जिससे आपके पशु के पेट में जो कीड़े हैं वो मर जाते हैं और जो भी पशु खाता है उसके शरीर में लगता है, जिससे दूध भी बनता है, फैट भी आता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई भी ट्रीटमेंट अपने पशु का आप शुरू करते हैं तो डिवॉर्मिंग जरूर करनी चाहिए आपको हर 3 महीने के अंदर। दोस्तों तो ये दवाई दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी सबसे पहले सबसे जल्दी। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।